हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक्सीडेंटल डॉक्टर नामक यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको जिस कॉलेज के बारे में बताने वाली हूँ वो है RKDF मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, जो कि मध्य प्रदेश का एक मेडिकल कॉलेज है। अब हम क्योंकि मध्य प्रदेश के एक मेडिकल कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, आपको एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो मध्य प्रदेश है वो क्लोज्ड स्टेट है, तो सिर्फ यहाँ के डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स ही यहाँ के कॉलेजेस में अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। हरियाणा, वेस्ट बंगाल और राजस्थान के सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की वीडियो बना के हमने हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वो अब तक नहीं देखा है आप जाकर दे सकते हो। मध्य प्रदेश के भी ऑलमोस्ट कॉलेजेस की वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, बस कुछ कॉलेजेस बचे हैं, हम उनकी भी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे। बात करें RKDF मेडिकल कॉलेज की, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कॉलेज के लोकेशन, एस्टैब्लिशमेंट, ईयर कट ऑफ, ट्यूशन फीस और बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें कॉलेज के लोकेशन की, तो ये कॉलेज मध्य प्रदेश के भोपाल में लोकेटेड है। बात करें कॉलेज के एस्टैब्लिशमेंट ईयर की, तो ये कॉलेज 2014 में एस्टैब्लिश हुआ था। बात करें कॉलेज के ट्यूशन फीस की, तो कॉलेज की ट्यूशन फीस 12,17,880 रुपीज़ है। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके फॉलो कर दीजिए, वहाँ पे हम फ्री में आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हमें मैसेज कर देना, हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करेंगे। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है एक्सीडेंटल डॉक्टर। बात करें टोटल अमाउंट ऑफ फीस की, जितना देने के लिए आपको फर्स्ट ईयर में प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तो अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो फर्स्ट ईयर में आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा 14,32,800 रुपीज़ के साथ, प्लस इसमें हॉस्टल फीस भी और ऐड होगी, तो इतने फीस के साथ आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बात करें कॉलेज के कट ऑफ की, तो अब हम क्योंकि मध्य प्रदेश के एक कॉलेज के बारे में बात करें, यहाँ एक और चीज़ देखने को मिलती है, जो कॉलेजेस की कट ऑफ है वो कास्ट वाइज जाती है। तो बात करेंगे इस कॉलेज के फर्स्ट राउंड के कट ऑफ की कास्ट वाइज, तो जो UR की कट ऑफ गई थी वो गई थी 491, OBC की कट ऑफ गई थी 486, SC की कट ऑफ गई थी 361 और ST की कट ऑफ गई थी 199। ये सिर्फ वहाँ के डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए ये कट ऑफ है। अगर आपको अपने कास्ट में इतने मार्क्स हैं तो आपको ये कॉलेजेस आराम से मिल जाएंगी, बट अगर आपको इतने मार्क्स नहीं हैं और आपको फिर भी ये कॉलेज लेना है, तो आप एक NRI सीट का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में, तो आप NRI सीट द्वारा अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। पर वहाँ पे एक चीज़ हो जाएगी कि जो कॉलेज का बजट होगा वो काफ़ी बढ़ जाएगा, 1 करोड़ प्लस चला जाएगा आपका बजट। हम भी थोड़े टाइम बाद एक्टिव हुए हैं क्योंकि हमारे एग्जाम्स चल रहे थे, बट हम एक एक करके बहुत सारे इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ की वीडियो बना के हमारे चैनल पे अपलोड करने वाले हैं, तो आप उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लर आपको कौन से कॉलेज के बारे में जानना है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम जल्द से जल्द उस कॉलेज की वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। बात करें कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ UG सीट्स की, तो 150 UG सीट्स है, और अगर आपको हमारे थ्रू किसी कॉलेज में सीट चाहिए तो आप हमसे काउंसलिंग करा सकते हो। नीचे दिए हुए वेबसाइट पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हमसे काउंसलिंग करा के आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि हमारी पूरी मेडिकोज की एक टीम है जो आपको आपके बेस्ट स्कोर पे कौन सा बेस्ट कॉलेज मिलेगा वो आराम से सजेस्ट कर देगी। थ्रू आउट काउंसलिंग आप उन्हीं के गाइडेंस में रहोगे जो ऑलरेडी अपना MBBS परस्यू कर रहे हैं। जब आप साइट पे जाओगे तो आपको वहाँ पे कैंपस और कॉलेज टूर की वीडियोस भी मिल जाएगी, तो आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा आपको 3 प्लान्स मिलेंगी, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। प्लान ए में आप कॉलेज जाने से पहले कॉलेज के बारे में सब कुछ जान जाओगे, इंटरनल डिटेल्स ऑफ कॉलेज, हिडन चार्जेस ऑफ कॉलेज, सारे चीज़ें। प्लान बी UP के लिए है, क्योंकि UP में हमारी एक्सपर्टीज है, हम 2019 से काम कर रहे हैं और UP में बैच 21-22 में बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे काउंसलिंग के थ्रू गए हैं। और प्लान सी में आपको ऑल इंडिया के बारे में पता चल जाएगा, ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे गाइडेंस के थ्रू गए हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश के काउंसलिंग साइट की, तो जो मध्य प्रदेश की काउंसलिंग साइट है वो DMEMPonline.gov.in है। काउंसलिंग रिगार्डिंग कोई भी अपडेट्स आप इस साइट पे जाके चेक कर सकते हो। अब बात करेंगे एक और चीज़ की जो मध्य प्रदेश में होती है, अगर आपको 12th में मध्य प्रदेश बोर्ड से 75% है, या अगर आपने CBSE बोर्ड से अपना 12th दिया है तो उसमें आपको 85% प्लस है, और अगर आपका मार्क्स कॉलेज के कट ऑफ के अंदर है तो आपकी पूरी फीस गवर्नमेंट पे करेगी। हाँ, आपकी पूरी फीस गवर्नमेंट पे करेगी, बट आपको पूरा क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आपने स्टेट बोर्ड से 12th दिया है, मध्य प्रदेश बोर्ड से, तो 75%, CBSE बोर्ड से 12th दिया है तो 85%। समझ लीजिए कॉलेज का कट ऑफ 530 है और आपका मार्क्स 540 के आसपास है या 530 के ऊपर है, और आपकी फैमिली इनकम लो है, तो आपकी पूरी फीस गवर्नमेंट पे करेगी।
बात करें कॉलेज के कैंपस साइज की तो कैंपस 42 एकर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। बात करें कॉलेज के कैंपस फैसिलिटीज की तो कैंपस के अंदर जिम, लॉन्ड्री, लाइब्रेरी सभी चीजों की सुविधाएं उपलब्ध है। बात करें कॉलेज में आउटिंग टाइम की तो आप आराम से आउटिंग जा सकते हो। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक यहाँ पर आउटिंग टाइम अवेलेबल है। बात करें कॉलेज के पेशेंट फ्लो की तो कॉलेज का पेशेंट फ्लो ठीक ठाक देखने को मिलता है। आपको एक अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा और आप चीजें आराम से सीख लोगे। बात करें कॉलेज के हॉस्टल फैसिलिटीज की तो हॉस्टल के रूम्स काफी बड़े और अच्छे से डिजाइन किए गए। एसी, नॉन एसी दोनों रूम्स की सुविधाएं उपलब्ध है। अकोमोडेशन पर रूम देखें तो एक रूम में 2 या 3 लोग आराम से रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दी हुई हमारी साइट की लिंक विजिट कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ गूगल फॉर्म आप फिल कर सकते हो। हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।